चलो, इसका जो हमारे साथ था सारा टाइम वो बहुत बढ़िया निकल गया। नई गाड़ी आनी है, उसकी भी खुशी है। हाँ, ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीजों से थोड़ा ज्यादा प्यार हो जाता है मुझे कहीं ना कहीं। मन को कुछ होता है बेटे, इतनी प्यारी है ना। माइल चेजर्स का सिंबल है ना हमेशा के लिए, चाहे कोई भी गाड़ियां आए, कोई भी गाड़ियां जाए, बट स्टॉर्म विल स्टे फॉरएवर। If you are a fan of travel content and you like fun family videos, तो Mile Chasers को subscribe करना ना भूलें। Good morning everyone, welcome back to our channel. You're watching Mile Chasers. मैं हूँ लव और मैं हूँ यशवी। ये रही यशवी, यशवी बना रही है अभी हमारा breakfast। मैं दिखाता हूँ क्या बन रहा है आज, क्योंकि सर्दियाँ शुरू हो गई हैं तो अब एक और चीज़ बनने का मौसम आ चुका है जो हमारे को बहुत पसंद है। एक मिनट रुको भाई, ये है मेथी के पराठे। I'm sure बहुत लोग वैसे खाते भी होंगे, अगर जो नहीं खाते भाई देख लो, मेथी के पराठे ही बनते हैं। मैक्सिमम लोग खाते हैं। ऐसी क्या बन रही है? चाय, ढाबे वाली चाय नहीं है, हर टाइम ढाबे वाली चाय थोड़ी पियेंगे। मुझे ढाबे वाली चाय भी नहीं, तूने अदरक डाला मेरी चाय में? नहीं, आज नहीं डाला। गिरा दे मेरी चाय, फेंक दे। ए कुकड़ी छोटी पुकड़ी, कहाँ घूम रहा है आज सुबह सुबह? हाँ, ये पकड़ना है तेरे को, ऊपर जो लगा माइक पकड़ना, पकड़ेगा माइक के लिए, ये ले कुकी। नहीं मिलेगा माइक। चाहिए छोटा सा बेबी। ये हमारा कुकू है। जो हमारे नए फॉलोअर्स या सब्सक्राइबर्स जो भी आए हैं, फैमिली के मेंबर्स, उनको मैं बता दूं भाई, ये सना का बेबी है। आधे लोगों को ये बार लगता है ईश्वर मेरा हो गया। वही मामू को किसी दे दे, दांत आ रहे हैं इसका, देखो ये काटते हैं आजकल ये दे। तो आज भाई अपना सफारी का काम भी हम हो ही गया है, जो मैंने आपको बताया था कि कल मैंने कर दिया काम, लेकिन उससे भी अच्छी न्यूज हुई है कि अम्मा जट प्रभजोत भाई ठीक हो रहे हैं। बहुत गुड न्यूज है, बहुत गुड न्यूज। सच में यार, दिल से अच्छा लगा। और उनकी वीडियो देख के जो उनकी टीम ने डाली, बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि चलो दोबारा से कॉन्टेंट बनाएंगे। मैं अभी इस लड़ाई में नहीं जाने वाला हूँ कि गलत कौन था सही कौन था, मैं बस इस चीज के लिए खुश हूँ कि एक बंदा जो लाइफ के लिए लड़ रहा था वो ठीक हो गया। बाकी जो ट्रायल होगा वो बाद की बात है, वो लॉ देखेगा, वो पुलिस देखेगी, वो नेपाल का गवर्नमेंट देखेगी या हमारी गवर्नमेंट देखेगी, दैट्स अ सेपरेट स्टोरी। बट अभी हम खुश हैं कि जट भाई ठीक हो गया है, दैट्स इट। सो गाइस, मैंने कल डील लॉ कर दी थी कास्ट 24 में, जैसे मैंने आपको बताया था सफारी स्टॉर्म की हमारे, तो अभी बंदा वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है डॉक्यूमेंट्स के, तो फटाफट कराते हैं और उसके बाद मुझे लगता है विद इन 2-3 दिन में ना गाड़ी ले जाएंगे लोग। और एक दो चीज़ें और हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रोसेस है, बट उस वीडियो का ज़रूर वेट करना जो मैं कंपैरिजन वीडियो बना रहा हूँ बिटवीन कास्ट 24 एंड ओएलएक्स ऑटोज, प्लस गाड़ी बाहर बेचोगे तो कितना पैसा आपको ज़्यादा मिल जाता है, या ऑनलाइन बेचते हो तो कितना ज़्यादा पैसा मिलता है, और कौन सी जगह बेस्ट है। तो यार एक बार फाइनल टाइम हमने गाड़ी निकाली, अपने देखा वेरिफिकेशन वगैरह सब कंप्लीट हो गई हमारी गाड़ी की, तो मैंने कहा कि आज हमने कहीं जाना है थोड़ा सा पास में ही, तो इसी गाड़ी से जाएंगे। दो एडवाइस नहीं करते लोग कि आपकी वैल्यूएशन जब हो जाए सब हो जाए तो आप वो गाड़ी निकालो, बट देन यार स्टॉर्म को एक बार तो निकालना आज हमारा बनता था, क्योंकि हमारे बैंक का NOC अभी आना है जो लोन डॉक्यूमेंट का होता है, वो फाइनल एक वो डॉक्यूमेंट रह गए, तो मंडे ही हो सकता है क्योंकि अभी बैंक बंद है, तो तब तक गाड़ी जा नहीं सकती, तो मंडे मोस्ट प्रोबेबली गाड़ी जा रही है अपनी, तो तब तक हमने सोचा एक बार चला लिया जाए यार इसे दोबारा। हाँ सफारी स्टॉर्म, हमारा स्टिकर भी माइल चेजर्स का भी तक ऊपर लगा है, पीछे की साइड में भी लगा हुआ है, और ये तो मैसेज देंगे, अब जिसने उतारना है तो उतारेगा भाई, बट दरवाज़ा आज तक तेरे को उसका बंद करने नहीं आया, जा रही है अब तो दरवाज़ा बंद करना सीख लेती उसका, एक बार में जिंदगी में बंद नहीं करेगी, जाते जाते भी नहीं बंद करा ठीक से। अभी एक अभी नहीं जा रही है, एक दिन में जा रही है। हाँ तो है ना अभी एक दिन। यार मैंने यहाँ पे रुक के 2-3 साथ वीडियोस पिक्चर्स वगैरह ले ली, मैंने कहा चलो आखिरी बार है वो तो लेनी बनती है, और हम लोगों ने प्यार भी कर लिया ना सफारी को। बहुत मतलब मुझे ना बहुत इमोशनल फीलिंग अभी से हो रही है कि शिट ये जाने वाली है। क्या करें यार, जो आया उसको जाना है। चलो ये बात नहीं है, देखो हमें खुशी भी है कि चलो इसका जो हमारे साथ था सारा टाइम वो बहुत बढ़िया निकल गया, नई गाड़ी आनी है उसकी भी खुशी है। हाँ ऑब्वियसली मटेरियलिस्टिक चीज़ों से थोड़ा ज़्यादा प्यार हो जाता है मुझे कहीं ना कहीं, तो
ठीक है, मुझे लगता है कि जिस दिन चली जाएगी उसके धीरे धीरे बाद आप फिर उस चीज को ओवरकम कर ही जाते हो, बट अभी ये है कि यार सफारी अपना प्यार है और हमेशा रहेगी, है ना। मैंने अभी इसकी बैक सीट को देख रही थी, मुझे एकदम बात याद आई, हम ट्रिप्स पे जाते थे, मेरी नाइट शिफ्ट के बाद जब तुम लेने आते थे, हम सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, मैं पीछे कितना ही सीट पे सोई हूँ यार। हाँ, पीछे सो जाती थी यशवी, बट यही है यार इस गाड़ी का इतना अच्छा है ना, बस ये है कि हमारी प्यारी सफारी जिस फैमिली में जाएगी वहाँ पर भी इतना ही प्यार दियो, ठीक है, और वो फैमिली वाले भी तेरे को उतना ही प्यार देंगे जितना हमने तेरे को दिया है। यार मतलब जैसे हम बात कर रहे थे ना सफारी की, मुझे ना काफी ये देखो लोगों को देखो बीच में एकदम सी, यहाँ ना गुड़गांव की बड़ी दिक्कत है यार, जहाँ जगह ओए अपना ही था क्या ये। ये तो अपने उमेश भी यही थे, मैं ऐसे ही बोले जा रहा हूँ कैसे लोग हैं यार। सुपर, वैसे गुड़गांव में ना दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे जगह ही नहीं है निकलने की, लोग फिर भी क्रॉस करते हैं, आगे भी खड़े हैं ना सारे लोग, यहाँ चलता ही रहता है इजी। बट चलो बात ये थी मुझे कहने की यार कि हमने इतने ट्रिप इस पे मारे हैं, माइल चेजर स्टार्ट हमारा स्टॉर्म से हुआ है और इस गाड़ी ने कभी हमारे को धोखा नहीं दिया यार। और यही चीज़ होती है कि आप जब कभी गाड़ी निकले ना तो आपको उसकी स्वीट मेमोरीज जो होती हैं अगर वो हैं तो मतलब आपका सक्सेस रही है। और 10 साल वाला रूल नहीं होता, मैं इसे कभी ना बेचता, उस चक्कर में मुझे निकालनी पड़ रही है, मेरी टिप टॉप गाड़ी थी यार एकदम। बट चलो जो भी है, बट एक्चुअली एक बात बता, तेरी इसकी कोई ऐसी मेमोरी जो तेरे को सबसे ज्यादा लग रही है स्टॉर्म के बारे में? मेरी तो बहुत सारी है, जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि ट्रिप्स पे जाना, वैसे मैं कभी गाड़ी में नहीं सोती, बट रात वो तो हो गई बात, लेकिन तेरा को ट्रिप की बता, कोई तेरे ट्रिप का कौन सा तेरा फेवरेट ट्रिप कौन सा रहा इसमें, चलिए बता दे। आई थिंक ऑब्वियसली स्पीति तो ऑल टाइम फेवरेट है, बट हम लोग मनाली भी गए थे, मुझे वो भी बड़ा पसंद था। मनाली भी तब हमारा माइल चेजर्स नहीं था, तब हम वैसे ही गए थे। बट मेरा पता है क्या रहा यार इसके साथ बेस्ट चीज, स्पीति में हमारी गाड़ी ऑलमोस्ट मुझे था कि परफॉर्मेंस वाइज ठीक थी, बट उसका ना कुछ खराबी चल रही थी बैटरी लेकर, और हमने पूरा वाला स्पीति का जो सर्किट था कंप्लीट करा, जबकि गाड़ी की स्टार्ट होने में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, गाड़ी ने कहीं नहीं रुकी पूरे रास्ते। और आपको पता होगा कि जो काजा टू मनाली वाला रूट है वो कितना ज़्यादा डेंजरस रूट है और पूरा ऑफ रोड है, और वहाँ पूरा रास्ता इसने निकलवाया। मनाली ला के मैंने गाड़ी की जब चाबी ऑफ करी है उसके बाद गाड़ी स्टार्ट नहीं हुई वहाँ पर, तो इसने हमारे को रास्ते में धोखा नहीं दिया, क्योंकि अगर हम उस रूट पर फंसते ना बहुत बुरा हाल हो जाता हमारा, क्योंकि वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है, प्लस हमारे को पता नहीं क्रेन बुलानी पड़ती क्या करना पड़ता। इस गाड़ी ने पूरा साथ उस टाइम हमारा दिया कि भाई यहाँ मैं इनको बीच में नहीं छोड़ूंगी, और डेस्टिनेशन पे एक बार पहुँच जाएँ फिर इसने जाके अपना दम तोड़ा, दम भी क्या तोड़ा, वहाँ भी हमने बैटरी को स्टार्ट कराया था, तो उसके बाद हम खींच के दिल्ली ले आए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ। तो ये होती है यार गाड़ी के साथ एक अटैचमेंट इन वजहों से बनती है कि आपकी फैमिली कार है ये। बाय बाय यार, देखो हमने सारा ना सफाई भी कर दी है, मतलब सफाई इन द सेंस जो हमारे मैट्स थे इधर इधर या फिर अंदर सब सामान खाली हो गया है इसका, बस जो मेरे पेपर्स हैं 2-4 वही पड़े, बट हमने खाली कर दी है गाड़ी एकदम। भाई ये है हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट की मार्केट गुड़गांव की, सारा सामान मिल जाता है ठंड का यहाँ पे, सारा ब्रांडेड। भाई मार्केट आना तो बहाना है, हमारे को तो समोसा खाना है और यशी को ब्रेड पकौड़ा खाना है, चाय भी यहीं ले ली हमने, थोड़े समय बाद में अच्छा समोसा खाने वाले क्योंकि इनका बहुत अच्छा होता है। ये वाली शॉप है भाई, सेक्टर नहीं DLF फेज़ 1 है ना ये? हाँ DLF फेज़ 1 में। ये स्कॉर्पियो है ना सामने? हाँ स्कॉर्पियो है। तो वैसे ही कैमरा उठाया था कि चलो आई लव गुरुग्राम आ रहा है उसको शूट करें, तो अपनी टेम्प्रेरी नंबर है, किसी की नई गाड़ी आई है, यशी अपनी भी आएगी यार जल्दी आ जाएगी, देखिए जरा करीब से थोड़ा होए होए कब आएगी अपनी, सोच के देखो मतलब कितना ज्यादा कॉन्ट्रोडिक्टरी चीज है, अपनी टाटा में बैठ के जिसकी अभी सोच रहे थे जा रही है और उसी के सामने वो चल रही है जो अपनी आने वाली है सेम कलर की। वाह नहीं 11 बजे रात के इस लड़की के काम खत्म नहीं हो रहे। अच्छा वहां पे नहीं दिखाना ना, ये ब्रीच हो जाएगा ना तेरा, ऐसे करके दिखाऊं ना स्क्रीन पे ना दिखाऊं। सोनी की एड्स बना रही है, सोनी की एड्स, सारा पैसा वहां से आता है, हैं तुम्हारे को क्या देते हैं उसमें से? पता नहीं यार, ये तो बोल रहे मर्जी काम कर लो कुछ नहीं मिलना। रूरू रूरू चलेगा स्टॉर्म में, टाटा सफारी स्टॉर्म में चलेगा? कह रहा बता, आपसे पूछ रहा है। चलेंगे हाँ चलेंगे, बोलो चलते हैं, चलेंगे ना मामू हाँ चलो, फिर वो चली जाएगी। तो कितनी बार बैठा है उसमें? एंड फॉर द लास्ट टाइम, वन फाइनल टाइम। ओए ध्यान से। बच्चे टॉम के साथ आप भी जा रहे?
सफारी स्टॉर्म में हम फॉर द वन लास्ट टाइम मेरी कुकू भी साथ में गया ठीक है एक लास्ट राइड पे चले इसकी चलो बट हम इसको द लास्ट राइड नहीं बोलेंगे हाय मन को कुछ होता है क्या होता है आपके मन को मन को कुछ होता है बेटे इतनी प्यारी है ना माइल चेजर्स का सिंबल है ना हमेशा के लिए चाहे कोई भी गाड़ियां आए कोई भी गाड़ियां जाए बट स्टॉर्म विल स्टे फॉरएवर यस गाड़ियां से तो प्यार से अच्छा लड़की नहीं गाड़ी और छोकरी नहीं कह रहे अभी क्यों कह रहे हो एक जाती दूसरी आती है चलो तो अभी तक प्यार ही कर रहे हैं चले भाई एक बार चलते हैं कॉफी पी कर आते हैं तो भाई ट्रक्स भी अंदर आ गए हैं रात होगी 11 बजे के बाद निकले हो रात को आज तक हम वैसे इतनी रात को कभी जाते हैं पोल्यूशन देख रहे हो आप हेमा पोल्यूशन नोटिस करो यार एक बार आगे तक इतने पास आके दिख रहे हैं वो आई लव गुरुग्राम भी आज शाम को भी हम यहाँ पर थे अभी हम दोबारा से यहाँ पर आए हुए हैं बताओ एक आंख से देख रहे हैं एक आंख से इसको मुंह इधर कराओ वापस लड़ लो पहले आप लोग ये कर लो पहले ये कर लो कीकू कॉफी पिएगा कॉफी पिएगा चलो भाई बीटन आए अपनी जगह ये जब से इसने बाहर खोला तो यशवी बहुत ज्यादा आने लगी है जब अंदर था तो टाइम लगता है ना सब चीजों के साथ चीयर्स कर रहे हैं तो इसके साथ भी चीयर्स कर लो कभी यार कॉफी है तो क्या हो गया चीयर्स नहीं कर सकते क्या ये बात स्टॉर्म के लिए तू भी कर ले तू पी नहीं रही तू चीयर्स कर ले अपनी स्टॉर्म के लिए लेट्स रेज अ टोस्ट प्रॉपर खड़ी है ना ह्यूज गाड़ी प्रॉपर खड़ी है एकदम सामने सो आ गए हम लोग कॉफ़ी पीकर और मैंने सोचा कि घर के बाहर ही हैं तो यहाँ पर मैं इसलिए धीरे से ही बोल रहा हूँ क्योंकि कुकू सो गया है बट हमने कहा कि यार आज वन फाइनल टाइम जब ये निकले ही हैं तो हमारा जो व्लॉग है वो गाड़ी में ही एंड होना चाहिए आज का ताकि सफारी को एक सेंड ऑफ मिले हमारा माइल चेजर्स की तरफ से है ना हाँ बिल्कुल हाँ तो प्यार ही कर नहीं थक रहे प्यार आता है बेटे बहुत 10 साल कम नहीं होते इतने साल हमने कोई गाड़ी नहीं रखी सही बात है 5 साल बाद गाड़ी चेंज अमीर इतने थे ना मुझे पैसा उसके बाद दिया नहीं जब से स्टार्ट किया हाँ जब से मेरे पास गाड़ी आनी शुरू हुई तब तो आपने 10 साल रख दी मेरे को तो पैसा नहीं दिया नई गाड़ी का खुद 5 साल में चेंज करते रहे है कि इस गाड़ी ने धोखा कभी नहीं दिया हाँ। और हमें हमेशा घर तक लेके आई है कहीं पर भी यार खराब होगी तो घर से निकलती खराब हुई है कि मैं नहीं जा रही और जाएगी तो हमें घर तक हमेशा लेके आई गाड़ी यही होता है हमारा की फैमिली कार है फ्रॉम दिल्ली टू गुड़गांव में जो इसने मेरी हेल्प करी है ना ट्रांसपोर्टेशन में जगह स्पेस पीछे इतनी सारी ना घर का पूरा सामान भर भर के इसमें लाए बट अम्मा आपकी कोई मेमोरी सबसे पहले मुझे बता दो पहले मैं बताता हूं पहले आप बताओ मेरे को पता है जब हम यहां प्लाई मंगवाता था तो प्लाई 8 फुट लंबी 7 फुट पीछे उमेश रख के लाता था गाड़ी ना मुझे गिरता ना रू करके चला रहा था प्लाई यहाँ तक आई होती थी मतलब इतना उसने गाड़ी में सामान उठाया हमारे इस गाड़ी में तो आपको शिफ्टिंग वाली मेन मेमोरी है इसकी हैट्स ऑफ यार और इससे ज्यादा क्या हो सकता सही बात है अम्मा आपकी बताओ बस मेरी तो इससे बहुत ज्यादा मेमोरी है बहुत प्यार है इस गाड़ी से ऐसे जा रही है तो लग रहा है कि जैसे कोई अपनी बेटी को विदा कर रहा होता है ना ऐसे जा रही है विदा हो रही है ऐसे थोड़ा फीलिंग आती है विदा होने से याद आया ऐशी हमारी शादी के टाइम पर भी आई थी ये गाड़ी हाँ। सज कर आई थी ये बकायदा ये भी सज के आई थी और उसके बाद हमारा कॉलेज से लेकर जब तक शादी हुई हर चीज हुई गाड़ी में हमने साथ में इसी में और माइल चेजर्स मेन चीज़ मुझे नहीं पता आगे चल के माइल चेजर्स का क्या फ्यूचर है बट जो भी होगा अगर अच्छा होगा तो भी और अगर पता नहीं जो भी है चलो बट बात यह है कि हम हमेशा से इस चीज़ को यही रखेंगे कि ये गाड़ी है जिससे हमारा माइल चेजर स्टार्ट हुआ था सो जो माइल चेजर्स का सिंबल है वो ऑलवेज टाटा सफारी स्टॉर्म रहेगा हमारा ये वाला तो हमारे लिए अब ठीक है अब हमारा सारा चीज़ हो गई है तो थैंक यू सो मच गाड़ी और जैसे मैंने सुबह बोला था कभी फिर मिलेंगे और क्या है ना कितना अच्छा लगेगा कभी कहीं रोड पे चलती है अचानक दिख गई तो बहुत अच्छा लगेगा चलो भाई नहीं ऐसे नहीं चलो ठीक है तालियां धीरे धीरे मार रही जा रही है रूरूस हो गया है तो चलो यार ये व्लॉग एंड करते हैं यहीं पर अगर आपको अच्छा लगा तो डू लाइक और कमेंट करके बताना कौन सा आपको अच्छा लग रहा है हमारा व्लॉग में पार्ट हम और बनाएंगे ऐसे व्लॉग्स जैसे मैंने बोला अभी कुछ टाइम हो गया क्योंकि हमने कोई ट्रैवल व्लॉग अभी तक नहीं बनाया क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है मैं निकल नहीं पा रहा हूं, काम रहता है बहुत ज़्यादा बट वर्ल्ड कप ख़त्म होते ही हमारा प्लान है तो उसमें भी मज़ा आने वाला है तो ट्रैवल व्लॉग भी आ जाएंगे तब तक हाउस व्लॉग से काम चला लो उसमें भी मुझे पता है आप लोगों को मज़ा आता है आप हैं तो हमें आप नहीं तो हम कुछ भी नहीं फॉर वन लास्ट टाइम साइनिंग ऑफ फ्रॉम टाटा सफारी हिप हिप हुर्रे हिप हिप हुर्रे
धीरे धीरे पे पूरे थर्ड वाला हिप हिप हुर्रे। ठीक है चलो अब हम इसको एंड करते हैं अपनी टाटा सफारी स्टॉम्प पर। तो फाइनली मैं देखूँगा ऐसे कितने चल गई हमारी ये देने से पहले 1419 क्या बात है। मतलब थोड़ी देर पहले करो तो 1414 होता बट ठीक है इतनी मैंने गाड़ी चला दी है। चलो फिर अब फाइनली एंड करते हैं। सी यू टाटा बाय बाय।